A grand welcome back to all my dear students and all viewers. चलो आज शुरू करेंगे एनालॉजी का और एक पार्ट. मैं बोला था एनालॉजी फाइव टाइप्स का है. फाइव टाइप्स में मतलब दो ही टाइप्स को एक ही बोला जाता है. मतलब एनालॉजी ऑफ वर्ड जो है जिस मीनिंग जो भी है, एनालॉजी ऑफ सिमिलैरिटी भी वही है. तो तकरीबन आपको पांच ही एनालॉजी नहीं, फोर एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे. तो एक जो एनालॉजी था पहला वाला, वो तो अभी मतलब कंप्लीट हो गया. उसके बारे में मैं क्वेश्चंस भी करा दिया हूँ एंड उसी हिसाब उसके साथ साथ क्वेश्चंस होगा. लेकिन और बहुत सारे क्वेश्चंस है. क्वेश्चन तो मतलब ओशन जैसा है, बहुत बहुत क्वेश्चन है. लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैं बोल दिया उसके बाद भी मेरा आगे आगे भी मैं प्रैक्टिस के तौर पर भी वो क्वेश्चंस दे दूंगा. प्रैक्टिस कर लेना, समझ पा रहे हो. तो अभी आज क्या पढ़ेंगे ना, वही पढ़ेंगे एनालॉजी ऑफ वर्ड एंड सिमिलैरिटी नहीं, एनालॉजी ऑफ आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी ऑफ लेटर, या फिर उसको क्या बोलते हैं, लेटर को बोलते हैं अल्फाबेट. समझ पा रहे हो. क्या पढ़ेंगे आज ना, आज पढ़ेंगे एनालॉजी ऑफ लेटर और क्या बोलते हैं अल्फाबेट. समझ पा रहे हो, ये टॉपिक लिख लो अभी नोट में. समझ पा रहे हो, एनालॉजी ऑफ लेटर और अल्फाबेट. अल्फाबेट के ऊपर से क्या एनालॉजी मतलब हम क्या सीखेंगे, क्या मतलब टारगेट करेंगे, मतलब क्या मतलब एक उपाय, मतलब वहाँ पर ट्रिक कैसा मतलब हम महसूस करेंगे कि दिख के कैसे कर लेंगे दो सेकंड से, ऐसे ही कुछ बोल दूंगा मतलब बहुत बढ़िया ट्रिक से. चलो फिर देखते हैं. अच्छा ठीक है, अभी देखो. हाँ, पहले वाले तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जब भी एनालॉजी करोगे, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जब भी एनालॉजी ऑफ सिमिलर मतलब लेटर या अल्फाबेट करोगे, पहले लेटर एंड अल्फाबेट कहाँ से आता है उसका ट्रिक से हिसाब से दो ही लाइन में मैं लिख देता हूँ, ए से लेकर जेड, दो टू रोज में, दो धाड़ी में लिख देता हूँ. वहाँ से फिर आपको माइंड लगाना है कहाँ कहाँ होगा, समझ पा रहे हो. तो चलो फिर लिखते हैं. पहले तो हो जाएगा आपका लेटर जो है ए, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद होगा सी, उसके बाद हो गया डी, डी के बाद हो गया आपका ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के बाद एल, एल के बाद यहाँ आएगा एम. समझ पा रहे हो, मैं एम के नीचे लिख रहा हूँ एन, यहाँ से शुरू करूँगा. आप सोचेंगे ए से लेकर एम यहाँ से क्यों शुरू नहीं किए, नहीं नहीं क्यों नहीं, रीजन क्या है मैं और एक बार लिखता हूँ. देखो यहाँ पर देखो अच्छे तरह से, बी सी डी ई एफ जी. क्यों देखो, यहाँ पर जितने भी ए लेटर या अल्फाबेट से जो भी एनालॉजी क्वेश्चन आएगा, पहले तो ए से जेड से लेकर आपको याद होना चाहिए उसके ट्री के हिसाब से कौन सा लेटर किस प्लेस में है, क्योंकि प्लेस भी रिवर्स होता है. ओके, जैसे कि ए का प्लेस क्या है, वो क्या है, वन है. जेड का प्लेस क्या है, 26 है. जैसे कि मैं डायरेक्ट पूछ लूँ एम का प्लेस क्या है. इसलिए ये जो मैं टेबल अभी जो चार मतलब दो ही लाइन में मैं लिखूँगा, ये एकदम प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा. समझ पा रहे हो. यहाँ पर देखो जी एच, जी एच के बाद आई, आई के बाद जी आई जे, जे के बाद के बाद एल, एल के बाद एम, एम के नीचे फिर लिखता हूँ एन, एल के नीचे वो एम एन. यहाँ से चलेंगे, देखो यहाँ से गए हम यू टर्न ले रहे हैं, यहाँ से गए फिर यहाँ से मतलब यू टर्न ले रहे हैं. एम के बाद एन जो होगा मतलब उसी नीचे में लिख देंगे, क्योंकि देखो मैं इसी प्रकार से बनाया हूँ. पहले जो ऊपर सा लाइन है वो 13 डिजिट है, नीचे जो है वो भी 13 डिजिट से है, क्योंकि टोटल जो है 26 डिजिट से है. तो मैं उसको पार्ट पार्ट कर दिया, समझ पा रहे हो. तो ए से लेकर एम, एन से लेकर एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड. अभी देखो सबके सब ठीक ओपोजिट भी हो गया, होगा कि नहीं. देखो यहाँ से कैसे आपको ट्रिक लगाना है, ये तो सबसे बड़ी बात है. यहाँ से बस प्लेस वैल्यू याद करो एंड जब भी एग्जाम जाते हो, जब भी रीजनिंग स्टार्ट करते हो, ये पहले लिखने रहे. मैं
बार बार बोलता हूँ, कुछ लिखो या ना लिखो ऐसे ही लिखना है, एंड एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, ए से लेकर एम तक लिखना है। एंड ये नहीं कि ए से लेकर एम हो गया एक धाड़ी में, तीन तेरह तेरह लिखना है, तो एम से लेकर फिर एन जो है ए से ए नीचे से लिखना, एम यहाँ पर राइट साइड से ख़त्म हुआ उसके बाद तो नीचे आएगा ना, यहाँ से एन स्टार्ट करो, नहीं उससे क्या होगा थोड़ा हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ट्रिक नहीं बना पाएंगे, सब प्लेन हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। समझ पा रहे? देखो क्वेश्चन किसे आ सकता है एनालॉजी में, देखो एनालॉजी में ए के नीचे क्या है जेड, ऐसे ही पूछेगा, ए यदि जेड है तो फिर आई क्या है, आप खुद बताओ क्या है, मतलब ए जेड कैसे हुआ, ए का ऑपोजिट हुआ जेड, आई के ऑपोजिट क्या हुआ आर, और भी कोई कोई बोल सकता है ए के ठीक पहले से जेड तो आई के ठीक पहले से एच, तो दो ही यहाँ पर ट्रिक बन सकता है, आप आंसर देखना एच होगा या आर होगा, कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है, समझ पा रहे हो? इसीलिए मैं यहाँ पर इसी हिसाब से लिखा, क्योंकि देखो ऑपोजिट हम कर पा रहे हैं, और भी बहुत सारे ट्रिक यहाँ पर देखो कैसे बनता है, एक हाँ सभी का मतलब वैल्यू लिख लो, एक है वन, ओके ऐसे लिख के यहाँ पर एग्जाम हॉल में ऐसे ऊपर लिख देना है, बी है टू, बी के ऊपर टू लिख देना है, सी है थ्री, सी है थ्री, ऐसे चल के एम जो हो जाएगा थर्टीन, डी होगा फोर, ई होगा फाइव, ऐसे लिख लेना उसके बस ऐसे ही हिसाब से, एन हो गया आपका, एन हो जाएगा आपका 14, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स हो जाएगा 24, ऐसे सबको लिखना है। लिखने के बाद देखो फायदा क्या है, देखो एक्स हो गया आपका कितना 24, यहाँ पर सी कितना हो जाए 3, तो यहाँ क्वेश्चन भी ऐसे दे सकता है, देखो यदि सी 3 हुआ, सी का वैल्यू यदि 3 हुआ तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप फिर सोचोगे अरे भाई ये क्या है वो क्या बोल रहे हैं, मतलब ये वही तो, इसीलिए तो मैं टेबल क्या हूँ अच्छे से, फिर यहाँ पर तो मतलब ज़्यादा रिटिन होगा ये, मतलब बहुत बेकार दिख रहा है, लेकिन आप अच्छे से नोट कर लो, मेरे जो बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा सुनो, इसलिए मैं बोल सभी को बोलता हूँ मेरे वीडियो लास्ट तक देखो, ये नहीं कि मेरा कंटेंट अभी के लिए थोड़ा मतलब ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन आगे बहुत अच्छे से फिर करूँगा, समझ पा रहे हो? तो नोट के चक्कर में नोट बनाते चक्कर में रहो, एंड वीडियो बार बार सुनने के चक्कर में रहो, एंड जो कंस्टेंट पढ़ा रहे हैं कम समय में एग्जैक्टली बार बार ज़्यादा 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 टीचर के रखे हैं वो वहाँ से मत पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्ब मतलब क्या करेंगे या नहीं, मतलब माइंड भी थोड़ा सा चक्कर खा जाता है, इसलिए इस तरीके से पढ़ो, समझ पा रहे हो? तो चलो बस इसी हिसाब से याद कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यदि सी 3 है तो एक्स क्या है 24 है, यदि एज यहाँ पर लिख लिख के आएगा एस 1 होता है एज 8 होगा तो एस क्या होगा, मेरे को याद है मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है, आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए, मेरे टीचर के हिसाब से प्रैक्टिस है लेकिन आप स्टूडेंट के हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सभी चीज़ पढ़ोगे लेकिन मैं तो आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, मतलब किसी का रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग देख रहा है, नहीं तो मैं ऑलराउंडर मतलब आपके तरह जो आप पढ़ रहे हैं मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी वही बोल रहा हूँ एज का वैल्यू 8 हो गया तो एस का वैल्यू 19 हो जाएगा, समझ पा रहे हो? यहाँ पर अच्छे से लिख लेना ऐसे करके, ए से लेकर एम लिख लेना यहाँ पर, फिर यहाँ से नीचे से एन, मतलब रेस्पेक्ट इसके नीचे ऐसे करके एक जेड लिख लेना, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 13 हो गया, एन का वैल्यू 14 हो गया तो इसका वैल्यू 26 होगा, ऐसे सभी लेटर लिख लेना है लेफ्ट से लेकर राइट तक, एंड फिर नीचे से आके फिर लेफ्ट तक चलना है 26 तक, ये सब लिखने के साथ ही साथ आपको कौन किसका नंबर क्या है वो भी डाल देना है, लिख लेना है, समझ पा रहे हो कि नहीं? बस ये सब हो गया, बस इतना ही मैं बोलने वाला था कि आपका हो गया 1 से लेकर 26, समझ पा रहे हो? तो ए से लेकर जेड आपका हो गया, एंड ए से लेकर जब जेड जगह आपको हो गया, बस इतना ही मैं बोला था, याद रखो, रख पा रहे हो तो नहीं रख पा रहे हो जाकर लिख लो, समझ पा रहे हो? तो चलो हो गया, अभी क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, 16 क्वेश्चन से आज के लिए करेंगे, उसके आगे आगे बहुत सारे और क्वेश्चन लगे, देखो यहाँ पर देखो कैसे ऐसे ही पूछेगा, इसको बोलते हैं वर्ड एनालॉजी बेसिस ऑफ वर्ड या सिमिलर हम पढ़ रहे थे, देखो यहाँ पर वर्ड सिमिलर सबके सब तो सिमिलरिटी तो कहीं ना कहीं है, लेकिन यहाँ पर वर्ड से सिमिलर नहीं है, यहाँ पर लेटर या नंबर से सिमिलरिटी है, इसलिए चैप्टर का नाम है अल्फाबेट बेस्ड ऑन लेटर्स एंड और अल्फाबेट्स, समझ पा रहे हो? रीजनिंग बेस्ड मतलब एनालॉजी बेस्ड अल्फाबेट और नंबर, देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो ए सी ई एफ ए जी सब ऑलवेज याद रखना, फास्ट है, फास्ट से सेकंड कैसे हुआ है
इसी हिसाब से थर्ड से फोर क्या होगा, समझ पा रहे हो? यहाँ पर देखो फर्स्ट जो वर्ड है तीन ही डिजिट है, यहाँ पर तीन अल्फाबेट है, सेकंड भी तीन, यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर जो भी आएगा तीन होगा। ये तो सब कहीं भी नहीं कि चार नहीं है, तो कंफ्यूज क्लियर हो गया। कहीं चार होगा तो यहाँ पर लेटर, तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे कर देता ये बाबा तू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि सब है ठीक है। वो रीजन से मतलब सही हिसाब से सेट तो ठीक हो जाए। देखिए कौन देखो फास्ट देखो गोटे बढ़िया ट्रिक, ए रू एफ कमी थी फास्ट, ऊपर वाला को लक्ष्य करो मतलब मार्क करो, पहले वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर एंड सेकंड वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, कितने मतलब इंक्रीज हुआ है। ए के बाद एफ तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ। मतलब ए से जब हम फाइव और लेटर ऐड करेंगे जो पाएंगे वो है सेकंड का फर्स्ट, जो फर्स्ट फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है सेकंड उसके साथ ही जो मतलब सिमिलरिटी के या फिर अनुपात के हिसाब से जो भी है उसका भी जो फर्स्ट है वो उससे क्या है फाइव ज़्यादा है, उसी हिसाब से सी से भी दिख सकते हैं। सी के बाद डी, ई, डी के बाद सी से सेकंड से सेकंड कैसे जा रहा है यहाँ पर सी के बाद। हाँ और एक बात मतलब जब भी मतलब इस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो अच्छे से करना है, मतलब क्या क्या रिलेट होगा, मतलब सभी चीज़ भी रिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से एफ से ए से एफ हो गया पांच डिजिट प्लस करेंगे लेकिन सी से एच जो हो गया है पांच डिजिट नेगेटिव, वो हो सकता है, वो भी ट्रिक लग सकता है। लेकिन ज़्यादातर सिमिलरिटीज हो जाता है, मतलब जो भी रूल्स यहाँ पर लगता है सभी के लिए सभी लेटर के लिए सेम लग जाता है, समझ पा रहे हो? इसी से मैं बोल रहा हूँ कि ए से एफ तक जाएंगे तो पाँच ऐड करेंगे, सी से एच तक जाएंगे भी पाँच ऐड हो रहा है। तो इसी मतलब यहाँ पर वही हो गया कि आपका पहले वाला लेटर से सेकंड वाला पहले वाला मतलब नंबर से पहले वाला अल्फाबेट सेट या वर्ड से सेकंड वाला जब मतलब वर्ड या अल्फाबेट सेट का जो ईच इसका फर्स्ट उसका फर्स्ट उसका सेकंड इसका सेकंड उसका सेकंड इसका थर्ड उसका थर्ड ये सभी जब कर रहे हैं प्लस फाइव कर रहे हैं मतलब प्लस फाइव मतलब एक जो होगा सिक्स हो जाएगा, जो चौदह होगा वो फाइव ज़्यादा होगा मतलब नाइनटीन हो जाएगा। इसलिए मैं वैल्यू बोल चुका हूँ कि वैल्यू भी लिख के प्रैक्टिस करो। ए का वैल्यू एक है तो एम का वैल्यू थर्टीन है, एन का वैल्यू फोर्टीन है तो जेड का वैल्यू ट्वेंटी सिक्स है, आर का वैल्यू अठारह है तो एस का वैल्यू ट्वेंटी है, ऐसे ही याद रखो। एल का वैल्यू ट्वेल्व है, मेरे को कैसे याद है, मतलब वही है प्रैक्टिस है एकदम। तो आपको भी करना है मतलब पाँच जब ऐड करोगे सीधा नंबर देख के करना है, वो के बाद पी क्यू ऐसे गिनना नहीं है। वो का वैल्यू कितना है मतलब यहाँ पर फाइव ऐड करेंगे ना प्लस फाइव प्लस फाइव, तो वो का वैल्यू कितना होगा पंद्रह, पंद्रह पाँच बीस, तो बीस बीस मतलब टी का है। तो आपको डायरेक्ट ये कर लेना, वो आगे चेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो टी आना है पहले वाला टी किसके पास है, ओनली यही ऑप्शन में है, नहीं तो यहाँ पर पी पहला वाला या आर यहाँ पर ये तो होगा क्या, नहीं होगा। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और भी ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर देखो ए के बाद डी, पहले वाला ए के बाद डी आ रहा है, एक बाद कैसे डी आ रहा है, एक बाद बी सी डी मतलब प्लस थ्री यहाँ पर हो रहा है, सी के बाद भी एफ थ्री ज़्यादा हो रहा है, ई के बाद भी एच थ्री ज़्यादा हो रहा है, जी के बाद भी जे थ्री ज़्यादा हो यानी कि प्लस थ्री हो रहा है। यहाँ पर वही होगा क्यू के बाद जो प्लस थ्री होगा क्या होगा, क्यू के बाद पी के ऊपर आर एस टी हो जाएगा, टी पहले वाला आएगा। ये तो दोनों आंसर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि के पहले आ रहा है एम पहले, एग्जाम में जैसे भी कर रहे हो सॉल्व या क्वेश्चन बनाते हो ऐसे ही करना, मतलब ऐसे ही मतलब मार्क करना, क्योंकि क्या आएगा मतलब एक ही कुछ आ गया तो डायरेक्ट ऑप्शन के पास चले जाओ, ऑप्शन के पास लेकिन दो ही जगह है, लेकिन एग्जैक्टली कौन कटेगा कौन बचेगा सेकंड डिजिट मतलब सेकंड लेटर डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड जो लेटर है यहाँ पर क्यू हो रहा है यहाँ पर बी हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन फर्स्ट टी टी है इसीलिए हम कन्फ्यूज हैं। अभी तो फर्स्ट थ्री हो गया, उसके बाद एस का भी सेकंड वाला क्या करेंगे वही प्लस थ्री करेंगे, तो एस को जब प्लस थ्री करते हैं तो क्या हो जाता है, एस के बाद टी यू भी हो जाता है, टी यू भी एस का टी यू भी, तो वही और टी के बाद भी डी ऑप्शन में, इसीलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, समझ पा रहे हो? तो चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो वही है, देखो जो मिडिल वाला दो है सभी के जगह मतलब चार ही लेटर है, यहाँ पर भी चार लेटर
एटी चार्टा लेटर मान ये जी आसे भी चार्टा लेटर कि प्रत्येक जो लेटर अच्छी मान प्रत्येक जो वार्ड भाया अच्छी तार जो चार्टा चार्टा लेटर प्रत्येक लेटर चार्टा वार्ड मझी दुटा वार्ड को लक्ष्य कर मझी दुटा वार्ड कौन अच्छे छोट छोट अच्छे आउ गोटे कथ भी ट्रिक लक्ष्य कर प्रथम जो मझी दुटा वार्ड अच्छी सेकेंडर जो कंपेयर हो खाली से ही दुटा वार्ड कौन हो चेज हो एक्सचेंज हो मान जी तार फास्ट लेटर अच्छे सेकेंड ही हो जी सेकेंड से फास्ट ये सी थी फास्ट तापर ये सी ये थी ये एसी होगा भाला जी एम थी अच्छी मानते भितर कौन जो एम जी हो भर एम जी तमें ये जी एम ये एम ई हेनी यही दुटा देगा एवं खाली हुए तो तुम जहाँ भी लक्ष्य कर फास्ट लेटरटा काटदे इ जदि थी ये आंसर हम एफ थी ये आंसर हम लास्ट को भी काटदे एफ थी ये हम ऊपर हम ना नेक्स्ट थी यहाँ बुझीपाल आठ भी देख जमी मझे दुटा एक्सचेंज देते बाहर दुटा भी एक्सचेंज देते के सी सीटा पड़े आ फास्ट देख के फास्ट थी के पड़े सेकेंड लास्ट को सी थी लास्ट फास्ट फास्ट को तमें एक्सटा पड़े इटिक एफ्टा पड़े इटिक मैंने मझी दुटा जमी एक्सचेंज है बाहर दुटा भी परस्पर मध्य एक्सचेंज है तेनाली एफ एम जी एक्स तो जो आंसर सही मतलब हो जाएगा ए नहीं होगा क्या होगा सी हो जाएगा आंसर समझ पा रहे हो। तो चलो पुणे देखा आम बहुत स्पीड रे बुझे मो सा आराम से बुझीपर है एटा देखो क्या यहाँ पर देखो यहाँ पर भी हाँ यहाँ पर थोड़ा अलग सा है। देखो यहाँ पर जो फास्ट वाला लेटर है मतलब फास्ट वाला जो वर्ड है वहाँ पर जो तीन ही लेटर यहाँ पर सभी जगह तीन ही लेटर है लेकिन फास्ट वाले जो वर्ड है वहाँ पर जो भी बना है उसका जो तीन लेटर से पहले वाला जो कैपिटल में है लेकिन जो सेकेंड वाला जो कंपेयर किए हैं वहाँ पर जो पहला वाला है वो हो जाएगा स्मॉल समझ पा रहे हो। यहाँ पर भी वही होगा पहला वाला कैपिटल लेकिन सेकंड वाला स्मॉल हो जाएगा लेकिन यहाँ पर तो कैपिटल है फास्ट में डी यहाँ पर भी कुछ भी है लेकिन कैपिटल नहीं होगा जो पहला वाला जो लेटर आएगा जो होगा क्या होगा ना स्मॉल वाला होगा समझ पा रहे हो। और एक उसके बाद फिर देखेंगे बी होगा या फिर आर होगा समझ पा रहे हो जो होगा आंसर वही होगा। यहाँ पर देखो जो लास्ट में था वहाँ से शुरू हो रहा है डी डी ए में लास्ट ए था लास्ट ए था वो भी स्मॉल है के हो के था वहाँ से शुरू हो रहा है मतलब वहाँ उसके बाद जो सेकंड था डी वो हो जाता है कैपिटल में एंड जो कैपिटल था वो कैपिटल था मतलब उसको ये जो है उसको मतलब क्या करना है आपको रिवर्स कर दो डी डी ए है ए डी डी करना है लेकिन जो मिडिल वाला है स्मॉल वो सिर्फ चेंज हो रहा है कैपिटल में समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। यहाँ पर भी देखो ऐसे ही है जहाँ पर खत्म हुआ वहाँ से शुरू हुआ आर आर बी से खत्म हो रहा है लेकिन आपको रिवर्स करना है मतलब बी आर आर लिखना है लेकिन बी आर आर लिखना है लेकिन मिडिल में जो आर जो जिस रूप से होगा मतलब स्मॉल है तो कैपिटल हो जाएगा कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएगा समझ पा रहे हो कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना ये चेंज हो इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी वाला समझ पा रहे हो। जिसको जो नहीं समझ पा रहा है मेरा अगर स्पीड लग रहा है या फिर कुछ कमेंट में पूछो कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्व करके आऊँगा मतलब आपको ज़्यादा बेटर। देखो यहाँ पर इसलिए मैं बोला था आपको क्या करना है आपको याद रखना है समझ पा रहे हो इसका नंबर जैसे कि एक्स यहाँ पर कितना है एस का वैल्यू है 24 समझ पा रहे हो एस का वैल्यू कितना है एस का वैल्यू है 19 इसका बीच में गैप कितना है ऐसे 19 x है 24 इसका बीच में गैप है 4 क्योंकि 19 में प्लस 5 करोगे 24 इसका मतलब हो गया सेकंड से 5 ज़्यादा मिलाएंगे तो फास्ट वाला होगा जो फास्ट वाला होगा सेकंड से 5 ज़्यादा होगा मतलब जो सेकंड वाला होगा फास्ट है माइनस हो जाएगा 5 है कि नहीं। तो भी कितना है भी के बाद आता है यू भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो भी हो गया भी के बाद क्या आता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड 30 24 25 26 तो आपका हो गया 22 भी हो जाएगा 22 तो 22 से 5 माइनस करो क्या करो 5 माइनस करो चलो छोड़ो वो नहीं करेंगे इस हिसाब से नहीं है हाँ मैं करके लिख दिया लेकिन ऑप्शन इस हिसाब से नहीं होगा मतलब भी हो गया 22 आपका 5 निगलेक्ट करेंगे तो 17 का मतलब है क्यू क्यू तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं मैं बोला था ना मतलब कुछ भी ट्रिक लगेगा ये नहीं कि बस तुम मतलब लेकिन ज़्यादातर हम नंबर से भी कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर देखो ऑपोजिट वाला ट्रिक लगा है कि नहीं लगा है। देखो जब भी ए से बी से हिंदी लिखते हैं हम जब भी लिखते हैं जब भी हम ए से बी से ऐसे लिखते हैं देखो ए बी सी डी ई एफ जी जैसे भी जब भी हम लिखते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यहाँ पर लिखते हैं एक मिनट यहाँ पर देखो
ये हम लिखते हैं एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ से पता करो, एक्स हो गया आपका एस, तो भी क्या हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? देखो एस क्या है, 19 है, 19 है, लेकिन एक्स क्या था, 24 था, तो 24 क्या हो गया, 19 हो गया, तो भी का क्या हो जाएगा? तो बार बार वही बोल चुका हूँ कि याद रखना है आपको, भी क्या हो जाएगा। हाँ भी जो हो जाएगा क्या होगा, देखो x हो गया आपका कितना, 24 में 24 ऐड कर दो, कितना हो गया 6, लेकिन s में क्या है, 19 का मतलब क्या है, s में 19 तो 0 10, वो मतलब उनका दो जो निकाले उसको आपस में, मतलब उसका वैल्यू जो है वो डिजिट के अंदर में से भी फिर क्या करना है, वो ऐड करना है। यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, समझ पा रहे हो, 6 हो गया 10 हो गया, इससे ज़्यादा 4 होना चाहिए, तो भी का कितना होगा 4, 4 के 4 कितना ज़्यादा ना होगा, ज़्यादा होना चाहिए 8, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर यही होगा आपका, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ यहाँ पर जो भी आपका हो जाएगा, मान के चलो आपका, हाँ और एक बात, यहाँ पर जो भी होगा आपका क्या होगा ना, क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर डबल हो जाएगा। अभी आप सोचो कैसे किया सर, देखो कैसे हुआ, यहाँ पर देखो कुछ अजब सा ट्रिक पड़ेगा, लेकिन कैसे लगेगा, देखो एस का वैल्यू 24 है, लेकिन एस का वैल्यू कितना है, 19 है, देखो जो 24 है वो एक क्या है, इविन वाला संख्या है, हाँ जो युग्म संख्या है, लेकिन एस जो है वो क्या है, वह अजुग्म है, ऑड है, तो पहले इविन उसके बाद ऑड, ये भी था इविन, इसमें से कुछ भी देखो एक ही चीज़ ओनली एंड ओनली ये ऑड में है, इसलिए डबल हो गया आंसर, समझ पा रहे हो। तो ट्रिक कुछ भी लगेगा, लेकिन मतलब पता चलेगा, ये नहीं पता चलेगा। यहाँ पर देखो पहला का जो ठीक सेकंड वाला है, मतलब सी से 1 ऐड कर दो, यहाँ पर है हम कंपेयर करेंगे, ए से फिर कितना ऐड करना है, प्लस 3, टी से कितना ऐड करना है, टी हो गया 20, वाई जब देखेंगे तो क्या होगा, वाई होगा 25, समझ पा रहे हो। तो इसलिए कैट डी डी आई बनने से, मतलब सी ए टी से डी डी वाई कैसा बना ना, पहले प्लस 1 करेंगे, उसके बाद प्लस 3, उसके बाद प्लस 5। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, बी से प्लस 1 करेंगे, सी हो जाएगा, आई से प्लस 3 करेंगे, आई के बाद जे के एल हो जाएगा, जी से प्लस 5, जी के बाद एच आई जे के एल सी एल एल, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, समझ पा रहे हो, सी एल एल, समझ पाए कि नहीं, मतलब जो है जिस हिसाब से, पहला का पहला, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, कितना कितना बढ़ा है ये से भी कर लो, पहला का पहला, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, बस ऐसे ही करके देखना है ये सब, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये, हो है कि नहीं। चलो फिर देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो बस यही कुछ है, यहाँ पर देखो शायद सेम क्वेश्चन आया, राइट सेम क्वेश्चन आया, चलो फिर देखते हैं, यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर और बढ़िया क्वेश्चन है, देखो हाँ यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा है, आपको लगेगा पहला वाला जितना लेटर है ये यहाँ से ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा है तो, लेकिन उसका मतलब बहुत बढ़िया भी रीज़न है, क्या है देखो पहला वाला को, देखो क्या है ना, पहला वाला जो फर्स्ट लेटर है, सेकेंड वाले को फर्स्ट 2 लेटर के साथ कंपेयर करो, पहला वाला जो यहाँ पर है बी है कि नहीं, पहला वाला अभी हुआ, थोड़ा जूम कर लिया मैं, अच्छा चलो देखते हैं, पहला वाला जो बी है, सेकंड वाले का जो फर्स्ट सेकंड है उसके अंदर में है, देखो पहला अभी मतलब ऐसा रूल हो गया, देखो पहला वाला जो फर्स्ट होगा जब भी सेकंड हम कंपेयर करें उसी के दो ही चीज़ में, पहले वाला दो ही चीज़ में देखेंगे, जो दो चीज़ में ये पहला वाला उसके मिडिल में होगा, समझ पा रहे हो। तो सेकंड वाले हम फर्स्ट वाले से, फर्स्ट का एक ही लेटर ओनली पहले से उठाएंगे, उसका स्टार्टिंग लेटर उठाएंगे, सेकंड वाले जो वर्ड होगा उसमें से स्टार्टिंग दो ही मतलब लेटर के
बीच में मतलब मिडिल में रखेंगे तो आ जाएगा। ए सी, ए सी के बगल में आता है, क्या आता है मतलब उसके अंदर में आता है बी। यहाँ पर देखो टी भी, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ना टी भी, मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो उसके बाद है आपका टी भी, तो टी भी के अंदर इसका सेकंड आना चाहिए, यू भी है कि नहीं, टी के बाद यू भी होता ना। उसके बाद देखो बी डी, बी डी के अंदर में भी सी है। जे एल, जे एल जब जाते हैं, जे के बाद के, कह के फिर एल जाते हैं, तो के अंदर है। तो इसी हिसाब से जो पहले पहले वो उसको आगे पीछे का, आगे पीछे का ऐसे ही लेटर पेयर पेयर करके लिखें। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, बी का आगे पीछे वाला बनेगा ए सी, ओ का भी आगे पीछे बनेगा एम एन, एन का भी आगे पीछे बनेगा, एन का पहले बाद में तो वो, लेकिन आगे मतलब हाँ बाद में तो वो तो, लेकिन उससे पहले क्या हो जाता है एम। तो एस सी एम एन एम ओ, एस सी एम एन एम ओ, यही ऑप्शन हो जाएगा डी। एस सी एम एन ऊपर था लेकिन एम ओ भी था, सॉरी सॉरी और एक है ना, एक बार एक मिनट, टी के पहले टी आ जाएगा उसके बाद बी, और सॉरी सॉरी तो ये नहीं होगा आपका, नहीं जो आपका आंसर बनेगा ये है ए, समझ पा रहे हो, ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, समझ लिए। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ओके। यहाँ यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर देखो डायरेक्ट नहीं पूछ के भी आपको मतलब थ्योरी के जैसा मतलब कुछ बोल देगा, मतलब वर्ड के तरीके से भी बोलता है, ये भी कहीं ना कहीं ट्रिक हो जाता है, बुझी पड़ता ना। नहीं जाकर बुझे आराम से बुझो, मुँह उड़े भी करी भी कि ना बुझो, बुझेटा जरूरी एट न बुझे पहले हिंदी कमी बुझे क्वेश्चन ओडिया कर किचरा जिनस ओडिया कर सब इंग्लीश हिंदी मैंने इंग्लीश देखा जानूँ माइंड भितर को ओडिया आसो फिर भी करेब है। देखो ये अच्छे फास्ट अच्छे स्क्वायर, स्क्वायरटा हूँ सर्कल, अच्छा स्क्वायर सेम वे एज स्क्वायर रिलेटेड सर्कल, अच्छा 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 वेरी गुड वेरी गुड, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ हाँ ये बोल रहा है कि स्क्वायर कैसे होगा जैसे कि सर्कल है रिसल्क, समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखो ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पर यही ट्रिक है, सर्कल में कितना लेटर है, सिक्स लेटर है, सिक्स लेटर को तीन दो पार्ट कर लो, सी आई आर सी एल ई सर्कल, इसको मैं दो पार्ट कर लिया मतलब मिडिल में ऐसे मतलब मिडिल में कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, मेरे को यही ट्रिक लग रहा है, ये जो मतलब सर्कल से कहते रिसल्क, रिसल्क बना हम कंपेयर करेंगे उसी हिसाब से स्क्वायर से क्या बनेगा इसमें देखेंगे, है कि नहीं देखेंगे। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सर्कल से रिसल्क कैसे हुआ, मैं क्या क्या ना फास्ट वाला जो ही वर्ड है उसमें जो जितना मतलब सिक्स लेटर है वो सभी लेटर को मैं दो ही पार्ट में बंटवा दिया, समझ पा रहे हो, उसको दो ही पार्ट में मैं बंटवा कर दिया। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ ना, देखो जो सी आई आर यहाँ पर रीस हो रहा है मतलब जो यहाँ पर होगा वो रिवर्स में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी जो है वो रिवर्स में लिखा जाएगा, सी आई आर को रिवर्स में लिखेंगे सी आर आई सी, मतलब उल्टा हो जाएगा, सी आई आर गए थे आर आई सी से आएंगे, सी एल ई से गए थे तो ई एल सी से आएंगे, ई एल सी आगे गए थे फिर स्टेरिंग पीछे लगे, आगे स्टेरिंग के पीछे लगे। तो यहाँ पर देखो रिसल्क हो गया कि नहीं, बस यहाँ पर ऐसे ही ट्रिक लगाना है, यहाँ पर ट्रिक वही लगाना है। देखो क्या है ना, स्क्वायर का बनाएंगे, स्क्वायर को दो ही पार्ट में कर लो, एस क्यू यू उसके बाद ए आर ई, ए आर ई इसको फिर क्या करेंगे रिवर्स करके लिखेंगे, एस के यू तो लिखेंगे लेकिन यू क्यू एस, यू क्यू एस उसके हिसाब से ए आर ई लिखेंगे, ई आर ए, ई आर ए, तो जो आपका आंसर बनेगा जरूर यही बनेगा एंड डेफिनेटली यू क्यू एस ई आर ए, यू क्यू एस ई आर ए। एग्जाम में बहुत जल्दबाजी से भी हम गलत कर देते हैं, यू क्यू एस अच्छे से नहीं पढ़ के भी ये भी कुछ कुछ सी भी लगा के आएंगे। तो इस हिसाब से अच्छे से ठंडा दिमाग से, हाथ स्पीड होना चाहिए लेकिन माइंड एकदम ठंडा होना चाहिए एंड हाथ बहुत स्पीड होना चाहिए, वो होगा तो आपका गवर्नमेंट जॉब होगा नहीं तो नहीं होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो और एक एग्जाम्पल है, ये ब्लूअर हो गया पिक्चर, ब्लूअर मतलब झापसा। तो यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर तो बहुत कुछ जानना पड़ेगा। देखो देखो जेड क्या है, जेड का वैल्यू है 26, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 1 है,
तो 26 को 1 से हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम मानते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर छोटा वाला मतलब दो वाला दे के लेटर एक वाला साथ कंपेयर किया, यहाँ पर जो एक वाला आएगा आंसर भी दो वाला कहीं नहीं है, ये थोड़ा ना मतलब वो मतलब गधा है वो देगा, वो तो एक ही वाला देगा यहाँ पर। लेकिन ट्रिक है, ट्रिक क्या है ना, जेड से जब ए करते हैं कब कैसे जाते हैं वो, तो माइनस एक करेंगे तो ए मिलेगा जेड से, नहीं ए से जेड मिलेगा माइनस एक करेंगे, लेकिन वो नहीं, मैं वैल्यू के बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिखना, जेड का वैल्यू 26 है, ए का वैल्यू एक है, वो दोनों को डिफरेंस कर लेना है, अच्छे से ध्यान से सुनना, 25 हो गया। लेकिन देखो जे जो जे है उसका वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो जे है उसका वैल्यू क्या है, 10 है, जे का वैल्यू क्या है, 10 है। तो 10 कैसे आएगा ना, पहला वाला जो दिया होगा सेकंड से कैसे कंपेयर होगा ना, सभी का मतलब वैल्यू नंबर वैल्यू तो याद होना चाहिए, सभी अल्फाबेट का या लेटर का नंबर रेस्पेक्टिवली कौन से स्थान में है, लेटर का वैल्यू तो मतलब नंबर का वैल्यू तो याद होना चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, मतलब चाहिए। तो यहाँ पर देखो जेड का हो गया 26, ए का हो गया 1, जे का हो गया 10। अभी हम कैसे करेंगे 26 1 10 को कैसे कर सकते हैं रिलेशन, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ 20 से 1 मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से ज़्यादा, 20 से 1 ये करो 25, इसी आसपास नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ना कुछ दिख रहा है। देखो यहाँ पर जो डिफरेंस करने के बाद दो भी जो भी मतलब मतलब नंबर आया उसमें कितना डिजिट है, दो ही मतलब डिजिट है, उसके आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 and 5 करेंगे तो क्या हो गया 10। तो इस अभी हमको क्लू मिल गया, दो होगा पहले वाला उसका सभी का मतलब वैल्यू लिखना नंबर वैल्यू, एक्स हो गया 24, सी को बोलते हैं 3। तो 24 and 3 को क्या करेंगे, हम ट्रिक से मैं बोल रहा हूँ कि माइनस करेंगे तो क्या होगा 21, 21 में 2 1 है एंड 1 भी 1 है, तो आपस में उसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 2 होगा आंसर, जो 2 किसका वैल्यू है, बी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऐसे भी हुआ था ना यहाँ पर, 26 से ए का वैल्यू 1 है, दोनों को डिफरेंस करेंगे वियोग करेंगे 25, वो 25 में 1 2 है एंड 1 5 है, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, जो जिसका वैल्यू सेकंड में दिया होगा। समझ पा रहे हो, समझ लेगी नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पर फिर डिस्कशन करते हैं, जे के बाद क्या हुआ, पी हुआ, जे के बाद देखो यहाँ पर देखो आपस में नहीं करके ये एक ही चीज़ में देखो, हम इन जनरली हम फर्स्ट सेकंड करते हैं, ऐसे कि थर्ड में सेकंड फोर्थ करके देखते हैं, लेकिन बहुत सारे भी क्वेश्चन में ऐसे आता है, फर्स्ट किस तरह हुआ है, सेकंड उस तरह हुआ है क्या, दोनों हुआ है तो फिर थर्ड चल के भी फोर्थ तक चलना है, समझ पा रहे हो। तो इसी हिसाब से देखो क्या है ना, जे के बाद क्या है, जे के बाद दो ही मतलब जे के साथ 2 8 कर दें तो जे के बाद एच, एच के बाद आई आता है, यहाँ पर वही है ओके। लेकिन हाँ उसके बाद फिर आता है जो एक वाला, मतलब जे से 2 8 करोगे तो जे के बाद में आएगा, लेकिन जे से 1 8 करोगे तो उसके थर्ड में आएगा, समझ पा रहे हो। वहाँ यहाँ पर भी यही हुआ है कि नहीं देखते हैं तो पी के बाद पी के बाद क्या है ना, जे के बाद एच है, जे जे आई जे सॉरी सॉरी जे जी एच आई सोच लिया सॉरी सॉरी यहाँ पर माइनस एक होगा, माइनस एक होगा तो जे के बाद जो आएगा मतलब फर्स्ट लेटर के जस्ट सेकंड में कौन है, तो उसके पहले वाला जो, तो पी के जो सेकंड में पी के बाद क्या होगा, पी से पहले वाला, पी के पहले वाला क्या हुआ, वो के बाद पी आता है, लेकिन थर्ड वाला क्या होगा, पी के फिर और एक पहले लेकिन लास्ट एंड फर्स्ट में रिलेशन क्या होगा, जो लास्ट होगा पी जो सेकंड में उसके ठीक बाद में, समझ पा रहे हो। मतलब यहाँ पर कैसे करेंगे देखो, ये यही हुआ है कि नहीं देखो। हाँ और एक बात, ये तो जो भी मतलब प्रोसेस में है ये भी वो प्रोसेस में है, लेकिन प्रोसेस तो सेम है लेकिन डिफरेंस मतलब फिर सोचेंगे देखेंगे कहते ये थोड़ा एक ही टोटल ख़त्म होते ही पी कैसे आ गया वो भी देखेंगे ना। देखो के बाद कितना के बाद पी आता है वो आपको मतलब डिसाइड करना है, मतलब एक ही बात जब ख़त्म होता है उसका लास्ट नंबर से कितने ऐड करने से पी आता है, के बाद एल एम एन ओ पी, के से 5 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक्स से 5 ऐड कर लो, एक्स के बाद जब 5 ऐड करेंगे एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी ऐसे कुछ आ सकता है कि नहीं,
नहीं तो और एक मतलब करते हैं, देखो जे के, जे का मतलब, हाँ जे के बाद पी कैसा आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे जे का वैल्यू है 10, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जाएगा जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स डब्लू बी यू टी एस आर, हाँ आर के बाद पी, फिर क्यू आएगा, क्यू मतलब जे के बाद क्यू, मतलब ये जो उसका पहले है उसके बाद वो लास्ट में है, मतलब जैसे एक के साथ और एक कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर कैसे आ रहा है, जो पहले वाला से फास्ट होगा सेकेंड वाला का लास्ट जो भी अल्फाबेट होगा पहले वाला फास्ट अल्फाबेट से ठीक बाद में आएगा, मतलब ठीक उसका ऑपोजिट में आएगा, तो वहाँ पर भी डबल के ऑपोजिट कौन है, डी है, तो यहाँ पर डबल आना चाहता है, ठीक है फिर वो भी मत छोड़ दो, यहाँ पर देखेंगे कैसे हो रहा है, वही सेम चीज़ है, मतलब यू के बाद भी के बाद डब्लू, ये तीन ही चीज़ एक्स यहाँ ऐसे ही चलेगा एंड ये जो होगा डब्लू के बाद होगा, ऐसे ही देख दो, के बाद तो एल है, एल आर के बाद आर एस, पी क्यू आर एस, ये तो नहीं हुआ, जी एच आई, एच के बाद आई लग जाए, ये तो एम के बाद एन, मतलब ए हो सकता है ए हो सकता है, मतलब अभी फिर भी डाउट है क्या होगा देखते हैं, मतलब एम एन एल के एल एम, देखो यहाँ पर वाई भी फास्ट जो तीन में क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर में टोटल वर्ड में तीन ही लेटर में थर्ड लेटर के पास चला जाओ, यहाँ पर जैसे एच में जा सकते हो, एन में जा सकते हो, ई के जा सकते हो, जाके क्या करो फिर लेफ्ट की तरफ से आओ, ठीक लेफ्ट के बगल में एच के बाद वाई, आई के बाद जाए एम, एन के बाद वो के बाद, हम भी ऐसे बोलते हैं ना एम एन ओ पी एन ओ पी जे एच आई जे के एच आई जे, यहाँ पर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, यहाँ पर दोनों तो हम पा ले, ये तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों से कैसे करेंगे, थर्ड वाले से फिर लेफ्ट में आएंगे, सेकंड वाले तक आएंगे, उसके बाद में हो कि नहीं, हाँ एम के बाद एन है, यहाँ पर भी के बाद एन है, लेकिन एन के बाद एम एन वो, यहाँ पर वो होता तो सही होता, लेकिन के है इसीलिए गलत है, ये ऑटोमेटिकली सही है, वो चेक भी नहीं करेंगे, चेक भी करेंगे तो आ रहा है के बाद एल, एल के बाद एम, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये अच्छे से समझना है, रीजनिंग चाहे इजी हो फिर भी कहीं ना कहीं डिफिकल्टी है, समझ पा रहे हो, यहाँ पर देखो थोड़ा रिवर्स हुआ है शायद, हाँ देखो अनडेटेड 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 ओके, यहाँ पर दिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जो ए टी है पहले है यू, उसके बाद एन, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद टी, तो ए है चार नंबर पर, टी है पाँच नंबर पर, जो चार पाँच है उस जब भी हम कंपेयर करते हैं उसका पहले वन टू में आता है, पहला का जो फोर फाइव उसमें वन टू के प्लेस में आएगा, तो पहला का यहाँ पर जो फोर फाइव है एक दो तीन चार पाँच फोर फाइव आर ही है, वो यहाँ पर आर ही से शुरू होना है, वन टू मतलब आर ही से, यहाँ पर आर ई से शुरू, लेकिन पी आर से शुरू किया है, ई सी से शुरू किया, ये नहीं हुआ, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, बी डी में क्या होगा फिर देखते हैं, ये तो एक ही नज़र आ गया, उसके बाद देखो यू एन डी जो पहले जो तीन था वो लास्ट तीन में चला गया, पहले जो सी ओ आर था लास्ट तीन में सी ओ आर होना चाहिए, यहाँ पर आर ओ सी है लास्ट में, होगा क्या, नहीं होगा, सी ओ आर यहाँ पर है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऐसे ही कंपेयर करना है आपको, आपको भी आ जाएगा, बस कंपेयर करना सीखो, समझ लें, यहाँ पर देखो एम का वैल्यू कितना है 13, एस सी का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू एक है, सी का वैल्यू तीन है, ओके मतलब एम का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करो, सॉरी हाँ यहाँ पर देखो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर ऊपर से नीचे या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से कहते मतलब कैसे लिंक हो रहा है, हुआ है देखो यहाँ पर ऐसे ही हुआ है कि जो पहला वाला जो होगा सेकंड वाला को बस लिखेंगे, मतलब एक एक करके लिखेंगे, मतलब जो पहला वाला है इक्वल टू सेकंड से सेम हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट एम का वैल्यू 13, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है लेकिन लिखेंगे तो पास पास रह के भी वो दिखा दे रहा है, मतलब ए का वैल्यू एक है, सी का वैल्यू 13 है, तो ऊपर डायरेक्ट 13, मतलब ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, वैल्यू मतलब ऐसे ही रख देंगे लिख देंगे ऐसे ही लिख देंगे सेम होगा, लेकिन वहाँ इसके मतलब आपस में मल्टीप्लाई एडिशन ऐसे कुछ नहीं करेंगे, एन का वैल्यू कितना है हम जानते हैं 14, क्योंकि एम 13 था उसके बाद 14, यहाँ पर ए का वैल्यू एक, डी का वैल्यू 14, तो ऐसे ही भी ये भी है, वो का वैल्यू 15, ए का वैल्यू एक,
देखो ऊपर एम एन से गया है, एम के बाद एन, तो वो के बाद क्या आएगा, पी आएगा, तो ये तो नहीं होगा डी, ये तो नहीं होगा, इधर है इधर सी। पी का वैल्यू तो ठीक है भाई, पी का वैल्यू 16 है तो बाहर भी 16 होना चाहिए, ए तो होना चाहिए, ए है वहाँ पर, 16 16 में एफ आएगा, सी तो आएगा तो 13 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा, समझ ले। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट, और दो तीन है शायद। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ए एफ है, देखो यहाँ पर स्क्वायर लिखा है ना, हाँ, ए का वैल्यू कितना है 1, एफ का वैल्यू कितना है 6, ए एफ आई, आई का वैल्यू कितना है 9, तो ये आसपास रखने के हम कैसे दिख रहा है 169, तो 169 का जब स्क्वायर रूट, उसका वर्गमूल जब निकालते हैं तो 13 है, जैसे कि 4 का वर्गमूल कैसा है, मतलब 2 है, 13 है, तो जो 13 है वो एम कहते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन तो अभी हो गया, जो फर्स्ट जो है उसका एज टी जिसका प्लेस में जो है वो, उसको लिख के जब भी हम, जब हम स्क्वायर रूट उसका वर्गमूल निकालेंगे तो सेकंड वाले में सेम होगा, समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखो वही है ए डी डी, समझ पा रहे हो ना, ए डी डी, तो ए डी डी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 4 है, डी का वैल्यू 4 है, तो उसको जब स्क्वायर रूट करेंगे 12 आएगा, 12 का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए एफ आई ए डी डी हो गया, तो ए बी ए क्या होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो ए बी ए हो जाएगा, ए का वैल्यू 1, समझ लो मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 एंड 1 का वैल्यू फिर 1, तो 1 2 1 का 10 का वैल्यू 100, 11 का मतलब 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 128, 11 का स्क्वायर जो होगा उसको फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 11 हो जाएगा, तो 1 2 1 का स्क्वायर रूट याद रखना 11, और 11 किसको बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे जो 10 हो गया तो के क्या होगा, 11 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, के डायरेक्ट, समझ पा रहे हो, बस ऐसे ही करना है आपको। यहाँ पर देखो और एक है, यहाँ पर देखो कैसे है ना, डी के बाद हम बी जाते हैं, मतलब डी से -2 दो पीछे जाएंगे तो बी आएगा, समझ पा रहे हो। यहाँ पर या तो फिर ऐसे नहीं करें, ये कर सकते हैं, डी का वैल्यू 4 है, उसका जो रूट ओवर है वो सेकेंड है, बी है 2 है, ऐसे आई का वैल्यू जो 9 है उसका जब रूट ओवर करेंगे जो वैल्यू 3 है उसका वो है सी, सी का वैल्यू तो 3 है, तो बस यही तो है, यही तो मतलब रीजनिंग में यही, मतलब जितना जल्द आप आइडिया लगा पाते हो कहाँ पर स्क्वायर हुआ है, कहाँ पर स्क्वायर रूट हुआ है, क्या हुआ है, तो आपको फिर पता चलेगा, नहीं जब तक आपका माइंड नहीं कंसंट्रेट होगा तो बहुत जल्दी से आप निकाल नहीं पाओगे क्या ट्रिक है, जितना जल्द नहीं निकाल पाओगे, एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम वही दिखता है, आप एक्यूरेट के साथ सभी तो सही कर देंगे, घर में 5 दिन दे दो, 100 मार्क का 5 दिन सो के उठ के जाग के खेल के कर लेंगे, 100 से 101 मार रख लेंगे, लेकिन वहाँ पर टाइम है, टाइम होगा, मतलब बहुत स्पीड के साथ दिमाग भी तेज, लेकिन टेंशन नहीं होना है रे बाबा, टेंशन हो गए तो जो बनने वाला सवाल भी नहीं बन पाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। मैं जितना जितना फैक्ट कर रहा हूँ सच में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मेरे मैं 3 ही बड़े बड़े एग्जाम्स को फाइनल तक क्लियर किया हूँ, मतलब सब कुछ क्लियर, हाल ही में लिस्ट में नहीं ले आ पाया मतलब जब में, लेकिन सब कुछ क्लियर किया हूँ, मतलब जब से भी मतलब जो लेने वाला था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो आपको भी देखना है। यहाँ पर हो गया देखो आई सी ए भी चल गया, देखो पी का मतलब क्या है 16, 16 का तो रूट ओवर क्या हुआ 4, डी का वैल्यू 4, यहाँ पर दो ही चीज़ ये करना है, मतलब मार्क करना है किन दो में, फर्स्ट वाला का वैल्यू का स्क्वायर रूट वर्गमूल जो सेकेंड वाला का वैल्यू हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू 25 है, वाई का वैल्यू 25 है कि नहीं, 25 का स्क्वायर रूट ओवर कितना है 5, 5 मतलब यही तो हो गया, यही तो हो गया, वाई जब ई करें वाई डी कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, पहले वाला हो गया, समझ पा रहे हो। चलो फिर देखते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अभी देख लेंगे। देखो आर का वैल्यू कितना है 18 है कि नहीं, आर का वैल्यू 18, बस ऐसे ही लिखते हैं, देखते हैं हम कैसा, नहीं, ये भी यहाँ पर इतना इतना भी नहीं सोचना है, ये तो आराम से दिया है। देखो आर का मतलब जो भी सिग्नल मतलब कुछ इंडिकेशन, इसका फास्ट का ऐसे, यहाँ देखो आर का वैल्यू 18 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आर का वैल्यू 9 है, यू का वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू ठीक सेकंड में है 6 है, एस का वैल्यू 8 है, टी का वैल्यू 7 है,
तो यहाँ पर जो भी देखें लिख लो, टी का वैल्यू पहले लिखेंगे क्योंकि टी के पहले 7 हो गया, एस का वैल्यू सेकंड में लिखेंगे 8 हो गया, यू का वैल्यू 6 लिखेंगे, आर का वैल्यू क्या लिखेंगे, आर का वैल्यू जो लिखेंगे यहाँ पर था 9। मतलब पहले एक लेटर का मीनिंग क्या, लेटर मतलब नंबर है, लेटर नंबर से कंपेयर कर लो, इसका फास्ट का मीन्स है फास्ट, ये फास्ट सेकंड मीन सेकंड, यहाँ पर जैसे भी देगा, देखो इसको सेम टू सेम नहीं देगा, या मतलब थर्ड सेकंड सेकंड फोर ऐसे करके लेटर बस दिया है, तो मेरे को किस लेटर के लिए मतलब अल्फाबेट के या लेटर के लिए नंबर क्या है पता चल गया, तो जिस हिसाब से भी देगा मैं कर लूँगा कि नहीं, इस हिसाब से कर लिया तो आंसर जो होगा 7869, 7869 यही हो जाएगा आंसर, समझ पा रहे हो। तो चलो ऑल बाय, कैसा सेशन लगा जरूर बताना, एंड जरूर इसी हिसाब से भी कुछ आप क्वेश्चन पा लिए तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये सेशन तो आराम से प्रैक्टिस करना, जो मैथ पढ़ा है उसको भी एकदम भयंकर रूप से दोनों को प्रिपेयर करके अच्छे से बना लो। चलो फिर नेक्स्ट क्लास कुछ समय के बाद फिर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।